भिंड की कर लेते हैं, जहां के अटेर विधानसभा के केशवपुरा में दोबारा वोटिंग हुई। सूरजपुरा मतदान केंद्र पर 47% वोटिंग हुई। 17 तारीख को हुए विधानसभा चुनाव में इसी पोलिंग पर 89% मतदान हुआ था। 1223 में 577 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर अटेर एसडीएम पराग जैन एसडीओपी मौजूद रहे। आसपास के थानों की पुलिस के साथ साथ सुरक्षा के लिए जवान भी मौजूद रहे। मतदान के बाद अब 3 दिसंबर को नतीजों का इंतजार है। इस बीच नेता अपनी और अपनी पार्टी की जीत के दावे कर रहे हैं, रिजल्ट को लेकर गुड़ा भाग लगा रहे हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। जीत का दावा करते करते कमल पटेल कुछ ऐसा बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। रिपोर्ट देखिए। एमपी में चुनाव निपटने के बाद बीजेपी दफ्तर पहुंचे कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने विवादित बयान दे दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर सुरेंद्र जैन के कांग्रेस में जाने और बगावत पर उनका कहना था कि कई बार कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे होकर समझता है कि वो उसको खींच रहा है, पार्टी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, कई पार्टी छोड़ के गए, उनके क्या हाल हुए? ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ विचारधारा के लिए काम करते हैं। कई नेता जाता तो सिंगल बत्ती हो जाता, कोई दूसरा नहीं जाता साथ में जब तक पार्टी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुतिया गाड़ी के नीचे चलती तो उसको लगता है कि गाड़ा मेरी बल पे चल रहा है, गलत फहमी हो जाती है नेताओं को। कमल पटेल ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया, कहा कि हम फिर से सरकार बना रहे हैं, साथ ही हरदा में भी अपनी सीट पर जीत का दावा किया। कांग्रेस ने जो पिछली बार धोखा दिया था और इसलिए जनता ने इस बार सोचा कि पीछे ना रह जाए, इसलिए वोटिंग अच्छी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुई है। फिलहाल कमल पटेल जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी किस्मत ईवीएम में कैद है। वहीं पटेल के सुरेंद्र जैन पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ गया है।